So SWOT analysis basically strength, weakness, opportunities, and threats. Strength, weakness, opportunities, एंड थ्रेट्स. बेसिकली जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं, दीज आर इंटरनल मैटर्स, मीन्स ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. क्योंकि जो स्ट्रेंथ्स हैं क्या, बेसिकली स्ट्रेंथ्स आर बेसिकली योर कैपेबिलिटीज, योर पॉजिटिविटीज, के जहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, जहाँ पे आप जो आपकी बेसिकली पॉजिटिव अप्रोचेस हैं, जो आपको स्ट्रेंथन करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ये इंटरनल है ना. इसी तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छे हैं. सो जिस चीज में आप स्ट्रांग हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है. इसी को आप वाइस वर्सा कर देंगे तो ये वीकनेस बन जाएगी. मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो वो यही इम्प्लाइज अच्छे नहीं है तो आपकी वीकनेस बन जाएगी. आपकी सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस अगर अच्छी नहीं है तो ये आपकी वीकनेस बन जाएगी. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी वीक है तो ये ऑब्वियसली आपकी वीकनेस बन जाएगी. सो वही जो एलिमेंट स्ट्रेंथ के अंदर थे, अगर वो कैपेबिलिटीज हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज स्ट्रांग हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है. और अगर ये वाइस वर्सा पोजिशन है, मीन्स आपके लिए वो बैरियर है, आप उसके अंदर लैक कर रहे हैं, तो वो ये वीकनेस बन जाएगी. सो स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, वीकनेस नेगेटिव चीज है. इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये दोनों एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अपॉर्चुनिटीज क्या है कि वेयर यू फाइंड आउट द गैप, जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पे आप हिट करके अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं, उसको आप अपॉर्चुनिटी बोलते हैं. और ये भी हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यानी मार्केट से आपको मिलता है. इसी तरह से थ्रेट्स भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मींस जो आपके लिए बैरियर्स हैं, जो आपके लिए जो वो रुकावट साबित होते हैं. सो पांच तरह के थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट ऑफ कंपेटिटिव राइवल्स, जिनको हम पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल भी बोलते हैं. तो ये पांच तरह के थ्रेट्स होते हैं. ओवरऑल इन सारे को स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है. जी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज ये आपकी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वीकनेस और थ्रेट्स ये आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं. इसी तरह से स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपके, इसको यानी हॉरिजेंटल भी आपने देखना है और वर्टिकल भी आपने देखना है. वर्टिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंस के अंदर देखा जाएगा, और इस तरह से हॉरिजेंटली आप जो वो इसको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के अतबार से देखेंगे. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर बेसिकली इंटरनल मैटर्स. इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो दिस वॉज बेसिकली स्वॉट एनालिसिस.